एनए 131 में पीटीआई रहनुमा हुमायूं अख्तर खान का कारकुनों के एजाज में जोहराने का एहतमाम। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद ने जोहराने में शिरकत की। हुमायूं अख्तर खान ने जिमनी इंतखाब में वोट और सपोर्ट करने पर एनए 131 के आवाम का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अगर किसी कारकुन की दिल आजारी हुई हो तो माजरत चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 4-5 हफ्ते मिले और मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं एक एक पीटीआई का वो साथी जिसने इमरान खान का इलेक्शन लड़ा था मैं उस तक पहुंच सकूं। अगर मैं किसी के साथ पास नहीं पहुंच चुका तो मेरे दरवाजे खोले वो अब मेरे पास आ गए और मैं उनसे माजरत चाहता हूं कि मैं नहीं पहुंच सका। हुमायूं अख्तर खान ने मजीद कहा कि पोश इलाकों में जिमनी इंतखाब में टर्न आउट 17% रहा जो हमारी शिकस्त का सबब बना। ख्वाजा साद रफीक हमेशा डंडी मारते आए हैं, इस बार भी वोट खरीदे। साद रफीक ने इलेक्शन वाली रात बल्कि अगले दिन सुबह वोट खरीदा है अक्रॉस द बोर्ड, किसी एक कम्युनिटी का नहीं, वोट खरीदा गया है इस इलेक्शन में और हमें मालूम है कि वोट खरीदा गया है, किस किस ने खरीदा और कितना खरीदा है। पीटीआई रहनुमा हुमायूं अख्तर खान का कहना था कि बलदियाती इलेक्शन से पहले अपने हलके की तंजीम साजी मुकम्मल कर लेंगे। तालीम, सेहत और पुलिस से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील दी जाएंगी। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर्स बनाएंगे, सुई गैस का हर वार्ड का कोऑर्डिनेटर, बिजली के कामों का कोऑर्डिनेटर, कैंट बोर्ड के कामों का कोऑर्डिनेटर, पुलिस के मामलात का कोऑर्डिनेटर, डेवलपमेंट फंड्स हम लाएं बाहर से अपने इलाके के लिए उसका कोऑर्डिनेटर। हुमायूं अख्तर खान की जानिब से दिए गए जोराने में पीटीआई एमएनए डॉक्टर सीमी बुखारी और तलत नकवी समेत दीगर अरकान असेंबली ने भी शिरकत की। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़।